नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? बहुत बढ़िया, चंगे, ठीक है जी। मैंने चंगे बोले, चंगे, कुछ और मत समझना, चाहे आगे नामत लगा देना। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, अभी हमने एपिसोड लिया था, किसका हमने डिस्कस करा था कि अदर देन कैश पर्पस होता क्या है। अब हम उसके जनरल एंट्री की बात करने वाले हैं। तो आइए, माता रानी की अरदास लगाते हुए शुरू करते हैं जनरल एंट्री। बताओ क्या बोल रहा हूँ मैं अभी। जनरल एंट्री नंबर वन, क्या लिखा है नंबर वन में मेरे बेटा जी? देखो, पहले यहां पे लिखेंगे हम फॉर एसेट्स परचेज, फॉर एसेट्स परचेज। अब सोचो, अगर मैं एसेट परचेज कर रहा हूं तो बताओ, एक बार याद रखना मेरे बेटा, जब यहां पे जो भी आप जनरल एंट्री बना रहे हो वो किसकी बुक में बननी है मेरे बेटा जी? इन दी बुक्स ऑफ परचेजर, यानी कि आपने यहां पर परचेजर बन के सोचना है, खरीदार। अब वेंडर नहीं हो, यहां पे परचेजर की बुक आएगी। तो आपने एसेट खरीदी, एसेट खरीदने से क्या आएगा तुम्हारे पास? एसेट आएगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, आप क्या लिख दोगे? एसेट डेबिट कर दोगे। और टू, अभी आपने पैसा देना है। सपोज मान के चलो आपने 120,000 रुपए की एसेट खरीदी और आपने 120,000 रुपए देने हैं। किसको देने हैं? वेंडर को। तो वेंडर का नाम देगा तो नाम लिख देना, जैसे श्यामलाल लिमिटेड, और नाम नहीं देगा तो वेंडर लिख देना। ये तुम्हारी लाइबिलिटी बनेगी, लाइबिलिटी हो जाएगी क्रेडिट। और नरेशन लिख देना, बीइंग एसेट परचेज फ्रॉम बंदे का नाम, बीइंग एसेट परचेज फ्रॉम श्यामलाल लिमिटेड। ऐसे यहां पर थोड़ा गैप छोड़ेंगे क्योंकि मुझे एक चीज सिखानी है। नाउ नंबर टू, अब हो सके तुमने 120,000 की क्या कर रही है? एसेट परचेज कर रही है, तुम्हें 120,000 देने हैं। अब दूसरी एंट्री हो सकती है फॉर पार्ट पेमेंट, जिसे तुम क्या कहते हो यहाँ पे? इफ एनी लिख रहा हूँ। इफ एनी का मतलब है अगर क्वेश्चन में पार्ट पेमेंट के बारे में बोला गया है, अगर क्वेश्चन में पार्ट पेमेंट के बारे में बोला गया है तो पार्ट पेमेंट की एंट्री बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। पार्ट पेमेंट का मतलब है जैसे मैंने 1,50,000 का अपने अपनी पहली वाली वीडियो में जो था, 1,50,000 का मैंने एसेट जनरेटर खरीदा था मैंने पार्ट पेमेंट 50,000 रुपए कैश में पे कर दिया था, क्लियर है? तो पार्ट पेमेंट करने से क्या होगा? लाइबिलिटी कम हो जाएगी। लाइबिलिटी तुमने क्या कर रखी है मेरे बेटा? क्रेडिट। खत्म करने के लिए क्या कर दोगे? डेबिट। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट, बात क्लियर हो गई? टू, तुमने पेमेंट कर दी, हो सकता है तुमने कैश दिया हो सकता है तुमने चेक काट के दिया हो, या पार्ट पेमेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हमने अपने लिए क्या बनवा लिया? बीपी, बिल्स पेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रिएट करवा लिया, मतलब हमें पे करना है। क्वेश्चन में कैश बोलो, बैंक बोलो, बीपी बोलो, जो बोला वो लिख देना। हो सकता है थोड़ा कॉम्बिनेशन भी दे रखा हो, थोड़ा कैश, थोड़ा बैंक, थोड़ा बीपी, इस टाइप से भी हो सकता है। सपोज मान के चलो कि तुमने 20,000 रुपए पार्ट पेमेंट के थ्रू पे कर दिए, 1:20 की एसेट थी, 20 पे कर दिए, 1,00,000 बच रहा है। उस 1,00,000 के बदले तुम क्या दे रहे हो मेरे बेटा जी? शेयर्स। अब एंट्री बनेगी फॉर इशू ऑफ शेयर्स की, इसकी एंट्री बनेगी मेरे बेटा जी फॉर इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री बनेगी, क्लियर है? अब सवाल आता है इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री कैसे बनती है? आपको पता है शेयर इशू करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है मेरे बेटा पार वाला तरीका और एक होता है प्रीमियम वाला तरीका, क्लियर है? ये नहीं है, पहले पार की एंट्री लगाते हैं, बस पार और प्रीमियम अंतर क्या है? एसपीआर का ही तो अंतर है। चलो जी, आप क्या करते हैं मेरे बेटा जी? हम पार की एंट्री लगाते हैं, क्लियर है? वेंडर क्या है? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या है? क्रेडिट। खत्म करने की अगर दोगे डेबिट, बट ऑब्वियस बात है तुम शेयर दे दो, ये कैश दे दो, भाई लाइबिलिटी तो खत्म हो ही रही है। टू टू क्या लिखोगे? शेयर कैपिटल, अगर इक्विटी लिखा है तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देना, प्रेफरेंशियल लिखा है तो प्रेफरेंशियल कैपिटल लिख देना, बात क्लियर हुई? नहीं भाई, कुछ नहीं लिखा तो शेयर कैपिटल लिख देना। अब देखो यहाँ पर अमाउंट डालना है तो आसान, लेकिन अमाउंट डालने से पहले यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। तो नंबर ऑफ शेयर का भी एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला होता है अमाउंट
अमाउंट पेबल टू वेंडर, अमाउंट पेबल टू वेंडर, अमाउंट पेबल टू वेंडर, हमें वेंडर को कितना पैसा पे करना है, माइनस एनी पार्ट पेमेंट, माइनस एनी पार्ट पेमेंट, क्या तुमने कितना अमाउंट पे कर दिया, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, ये फॉर्मूला है, अमाउंट पेबल टू वेंडर, हमें वेंडर को इतना अमाउंट पे करना है, माइनस एनी पार्ट पेमेंट, कितना पे कर दिया, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। चलो करते हैं कहानी। देखो जी यहां लिखते हैं फेस वैल्यू और इशू प्राइस, हालांकि ये बात मैं पहले बता चुका हूं लेकिन फिर भी रिकॉल करने में क्या जाता है, फेस वैल्यू में और इशू प्राइस में अंतर होता है, फॉर्मूले में डिवाइडेड बाय इशू प्राइस है, एट पार, और एक होता है मेरे बेटा कॉन्सेप्ट एट प्रीमियम का, एट पार वाला और एट प्रीमियम वाला, एट पार का मतलब क्या होता है, दस का शेयर दस में दिया, और एट प्रीमियम का मतलब होता है दस का शेयर मैं मान लेता हूँ यहाँ बीस रुपए में दिया, ऑब्वियसली बात है ज्यादा रुपए में दे रहे हो, इसे बोलते हो तुम इक्वल टू फेस वैल्यू और इसे बोलते हो तुम मोर देन फेस वैल्यू, बोलो हाँ ये ना, दस का शेयर कितने में दे रहे हो, दैट इज इशू प्राइस। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, अभी मैंने तुम्हें एट पार वाली एंट्री लिखी है ना, तो एट पार के ऊपर ही निकालते हैं मेरे बेटे जी, एट पार के ऊपर नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालोगे, एट पार का मतलब वो दस का शेयर था दस में दे दिया, फॉर्मूला क्या था मेरे बेटा, देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला सभी बच्चे याद कर लो मेरे बेटा, अमाउंट पेबल टू वेंडर, हमें वेंडर को कितना पैसा पे करना है, टोटल कितना पैसा पे करना है, एक बीस, माइनस पार्ट पेमेंट, क्या तुमने कोई पार्ट पेमेंट करी है, अगर करी है तो लिख देना नहीं तो जीरो लिखना, हाँ लेकिन मेरे केस स्टडी में मैंने पार्ट पेमेंट करी है बीस हजार रुपए की, डिवाइडेड बाई इशू प्राइस, कितने में दे रहे हैं, एट पार, दस का शेयर दस में दे रहे हैं, तो आ जाओ दोबारा से मैं फॉर्मूला बोलूंगा और अमाउंट लिखूंगा, अमाउंट पेबल टू वेंडर, मुझे वेंडर को देने थे एक बीस, माइनस एनी पार्ट पेमेंट बीस, डिवाइडेड बाई इशू प्राइस दस, दस का शेयर दस में दे रहे हैं, तो मेरे बेटा देखो कितना निकल कर आया, एक लाख डिवाइडेड बाई टेन, यानी कि 10,000 शेयर्स, क्लियर है, 10,000 शेयर्स, यानी कि पता क्या है, हम क्या कह रहे हैं, रामलाल कह रहा है श्यामलाल से कि भैया ऐसा है, मतलब हम कह रहे हैं वेंडर से कि भैया एक बीस में तो बीस तो दे दिए, बचे एक लाख, एक लाख में मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, शेयर दे रहा हूँ, एक शेयर मेरे दस का है, एक शेयर मार्केट में बिकोगे ना दस का बिकेगा, तो मैं तुम्हें कितने शेयर दू, मैं तुम्हें कितने शेयर दू, मैं तुम्हें कितने शेयर दू कि दस तुम्हारा एक लाख पूरा हो जाए, दस हजार शेयर देता हूँ भैया, एक शेयर दस का है, दस हजार शेयर एक लाख रुपए के हो जाएंगे, अरे सीधा समझो ना, अगर दस रुपए में कितने शेयर आते हैं, एक शेयर आता है, तो भैया हमें कितना पूरा करना है, एक लाख में कितने शेयर आने चाहिए, सीधा सीधे देख लो, एक लाख डिवाइडेड बाई टेन, बन गया ना भैया वाला पॉइंट, अब देख लो एक लाख कैसे बनाए, एक लाख को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, एक बीस माइनस बीस डिवाइडेड बाई टेन, देख लो बन गया, नहीं बन गया ऊपर वाला फॉर्मूला, समझने का तरीका मेरे बेटा जी कुछ नहीं है, ऑलरेडी तुम्हें ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी आती हैं, तो दस हजार शेयर दे देंगे, अब आ जाओ एंट्री में कैसे लिखोगे, एंट्री में लिखोगे दस हजार इंटू दस, यानी कि एक शेयर दिया दस का, दस हजार शेयर हो गए एक लाख के पूरे, देख लो एक लाख बनते थे वेंडर को देने, एक लाख दे दिए, बीस ऐसे दे दिए, एक ऐसे दे दिए, हो गया पूरा एक बीस, काम खत्म, अब ऐसे लगा लो मेरे बेटे किस पे, एट प्रीमियम पे, किस पे मेरे बेटा, एट प्रीमियम पे, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो एंट्री बननी थी वो तो बननी है, वेंडर थी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी होती क्रेडिट, खत्म करने के लिए कर देंगे डेबिट, और जेब से क्या जा रहा है मेरे बेटा जी, शेयर टू शेयर कैपिटल, बात क्लियर हो गई, बस क्योंकि प्रीमियम है तो टू SPR आ जाएगा, अब प्रीमियम का मतलब क्या होगा, दस का शेयर कितने में दे रहे हो, बीस में दे रहे हैं, ज्यादा में दे रहे हैं, अब देखो दोबारा से हमेशा एंट्री के बाद तुम्हें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, कैसे निकालोगे नंबर ऑफ शेयर, अमाउंट पेबल टू वेंडर, कितना पे करना है तुम्हें वेंडर को, एक बीस, माइनस पार्ट पेमेंट, ये था फॉर्मूला, अमाउंट पेबल टू वेंडर माइनस पार्ट पेमेंट,
अब इशू का इस कितना आएगा मेरे बेटा, अब आएगा 20 रुपए, कितने में दे रहे हैं, मेरा एक शेयर 20 में मार्केट में, यानी कि अब आ जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 20, कितना आ जाएगा मेरे बेटा जल्दी बोलो, 5000 शेयर्स, आया या नहीं आया, क्लियर है? अब देखो 5000 ये कैसे बना है, 20 10 प्लस 10 करके बना है, इनकी 5000 × 10 और 5000 × 10 यानी कि यू बैठ गया तुम्हारा 50000 और यू आ गए प्रियंका बता 50, जितने क्रेडिट उतने का डेबिट। देख लो मैं एक बात यहाँ पे कंफर्म करना चाहूंगा सभी बच्चों को, समझ लेना मेरे बेटा जी, ये क्या है, क्यों क्या आया है, ये पेन आया है, क्लियर है ये नहीं है, समझ रहे हो, ये पेन है मेरे बेटा जी। कई बच्चों के मन में एक सवाल होता है, ये पेन तुम्हें मान के चलो 50 रुपए का पड़ा, अगर तुम्हें ये पेन 50 रुपए का पड़ रहा है, सुनते रहना, अगर ये पेन तुम्हें 50 रुपए का पड़ रहा है तो क्या तुम दुकानदार को 100 रुपए देकर आ जाओगे, रख ले लग ले कोई बात ना, टिप है टिप, रख ले कोई बात, टिप है दे दोगे क्या, नहीं दोगे ना, अरे 50 का पेन है 50 रुपए दोगे और बार्गेन करके कम देना पसंद करोगे, ज्यादा तो नहीं दोगे। तो यहाँ पर भी समझ लेना, ये ऐसे कंफ्यूजन मुझे थी जब मैंने आपके एयरपे सीखा था ये पॉइंट, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे बात क्लियर हो गई। कई बार हम ये समझते हैं कि भाई हमने 1 20 देने थे, हमने 20 तो दे दिए, बचे 1 लाख, हम समझते हैं पार का मतलब है लाख के बदले लाख और प्रीमियम का मतलब है लाख रुपए के बदले ज्यादा देंगे। नहीं मेरे बेटा, देखो आप पार पे दो तो भी 1 लाख दे रहे हो, और देखो मेरे बेटा जी आप प्रीमियम पे दो तो भी आप 1 लाख ही दे रहे हो, पार पे दो 1 लाख, प्रीमियम पे दो, वेंडर को 1 लाख दे रहे हो तो 1 लाख ही दोगे, अंतर कहाँ आता है, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर पे, पहले जितना सस्ता शेयर है नंबर ऑफ शेयर ज्यादा दोगे, और शेयर अगर आपका महंगा है तो नंबर ऑफ शेयर कितने दोगे, एक कम। मेरी बात क्लियर हो रही है, नंबर ऑफ शेयर में चेंज होता है, वेंडर के अमाउंट में चेंज नहीं होता। कई बच्चे क्या करते हैं वेंडर के अमाउंट में चेंज करना शुरू कर देते हैं, मेरे बेटा ध्यान से समझ लेना मेरे बेटा, तुम्हें जितने रुपए के शेयर देने हैं उतने रुपए के ही जाएंगे, लाख रुपए के देने लाख रुपए के ही जाएंगे, क्लियर है या नहीं है, ज्यादा के नहीं जाने वाले, बस नंबर ऑफ शेयर कम या ज्यादा होते हैं, सस्ता होगा शेयर तो नंबर ऑफ शेयर तुम्हें ज्यादा देने पड़ेंगे, महंगा होगा तो नंबर ऑफ शेयर तुम्हें कम देने पड़ेंगे, क्लियर है या नहीं है, नंबर ऑफ शेयर तुम्हें कम देने पड़ेंगे। ये एक कॉन्सेप्ट है मेरे बेटा जिसके अंदर हमने मोस्ट ऑफ दी बातों को डील कर लिया, ठीक है। अब एक बात को और गौर फरमाना मेरे बेटा, मैं इस एड प्रीमियम वाली एंट्री को थोड़ा सा बदल रहा हूँ, समझना, मैं ये मान रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं कि एड प्रीमियम मैं बदल क्या रहा हूं, ये समझना, मैं 10 का शेयर 20 में बेच रहा था ना, अब मैं 10 का शेयर कितने बेच रहा हूं मेरे बेटा जी, 15 में बेच रहा हूं, कितने बेच रहा हूं मेरे बेटा 15, सिर्फ ये चेंज करा है मैंने, एंट्री बिल्कुल देखो वही बनाऊंगा, लाइबिलिटी थी क्रेडिट, खत्म करने के लिए कर दूंगा डेबिट टू वेंडर, टू मेरे जब से क्या जा रहा है मेरे बेटा जी शेयर, और क्या जाएगा मेरे बेटा जी SPR, ये होगा नंबर ऑफ शेयर, निकालो मेरे बेटा नंबर ऑफ शेयर्स, वही फॉर्मूला, अमाउंट पेबल टू वेंडर कितना 1/20 माइनस एनी पार्ट पेमेंट 20 डिवाइड बाई इशू प्राइस, अब शेयर तुम कितने में दे रहे हो मेरे बेटा जी, देखो ये रहा, अब शेयर दे रहे हो तुम 15 रुपए में, ये हो गया 15 रुपए इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा मेरे बेटा 1 लाख डिवाइडेड बाय 15, निकालना मेरे बेटा, देखो महंगा वाला कैलकुलेटर, हाँ आ चुका है, 1 लाख डिवाइडेड बाय 15 कितना निकला मेरे बेटा, देखो 6666.666666666 एंड सो ऑन, ये लिखा आ रहा है, मतलब देखो क्या निकल कर आ रहा है 666.666666, ये आ रहा है ना, मतलब पॉइंट में आ गया ना। अब देखो तुम सभी बच्चों ने अपने मैथ वाले टीचर से और अभिषेक भैया से, मैथ वाले टीचर से और अभिषेक भैया से तुमने क्या सीखा था कि भैया अगर पॉइंटों के बाद कुछ भी आता है ना तो राउंड ऑफ करना बनता है, अगर पॉइंटों के बाद 5 या 5 से बड़ी चीज आती तो तुम्हें ये राउंड ऑफ करवा देते हैं सर, ऐसे करके ये 5 से बड़ी है तो बेटा राउंड ऑफ करके इसे 7 कर दे, और अगर ये यहाँ पे 3 4 लिखा होता तो तू ये छोड़ दियो, ऐसे करके ये बोलते हैं ना राउंड ऑफ करने में, राउंड ऑफ ऐसे करा जाता है ना, पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी चीज है तो पूरा 1 कर देते हैं 7, और अगर पॉइंट के बाद 3 है 4 है मतलब 5 से छोटा है, ठीक है ना, तो यहाँ सिर्फ यहाँ तक का ही मामला रहने देते हैं मेरे बेटा।
आप क्या निकाल रहे हो, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रहे हो, और नंबर ऑफ शेयर्स को कभी राउंड ऑफ नहीं कर सकते। आप अमाउंट को, पैसों को राउंड ऑफ कर सकते हो, लेकिन शेयर्स को राउंड ऑफ नहीं कर सकते। ये एग्जांपल की बात है, मैं दोबारा दे रहा हूँ मेरे बेटा जी। ये क्या लिखा, ये क्या पढ़ा हुआ है तुम्हारे आगे, पेन पढ़ा हुआ है, पेन। क्या पढ़ा हुआ मेरे बेटा जी, पेन। अब तुम गए दुकानदार के पास और तुमने दुकानदार को बोला भैया 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 भैया, कितनी बार बोला, चार बार, भैया 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 भैया, ये भैया पेन कितने का दिया है, उनने बोला 20 रुपए का, और 20 रुपए का दिया है, और मेरे पे तो 15 रुपए ही है, 20 रुपए है ही नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूं। एक काम करो भैया, अबे निकल जा, ये पोला ले लो और ये पेन दे दो, ये पोला ले लो और ये पेन दे दो। ऐसा होता है क्या, पोला रख लो भाई, 15 रुपए का पेन दे दो, 5 रुपए का पोला रख लो, ऐसा होता है क्या, नहीं ना भाई। ऑब्वियस ही बात है, ये पेन है, ये पूरा एक पेन है, बिकेगा तो बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा, पूरा एक साथ बिकेगा। वही वाली बात है, शेयर भी एक, मान के चलो कागज का टुकड़ा है, एक कागज का टुकड़ा है शेयर, क्लियर है, बिकेगा तो पूरा बिकेगा, आधा पौना एक रुपए दो रुपए का नहीं बिक सकता, मेरी बात क्लियर हुई। तो शेयर्स के भी राउंड ऑफ नहीं होने वाले, तो हमें करना क्या है कुल मिला के, भैया हमें ये बता दो बस। मेरे बेटा करना कराना कुछ नहीं है, तुमने तुमने बेसिकली क्या करना है, जो पॉइंट के बाद वाली अमाउंट है ना, उसे देखना ही नहीं है। मतलब तुम्हें खाली क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर पॉइंट से पहले वाले पकड़ लेना, 6666, बस 6666, ठीक है, आ जाओ। तो 6666 × 10 शेयर, 6666 × 5 प्रीमियम। चलो जी कितना की, 6666 × 5 ये आपका आ जाएगा 33330। मैंने अभी पीछे लेक्चर में तुम्हें बताया था, हम शेयर पार पे थे, प्रीमियम पे थे, भैया 1,00,000 रुपए के शेयर देने थे, तो 1,00,000 रुपए पूरे करने हैं हमें। लेकिन अगर तुम दिमाग लगाओगे ना, ये देखो क्या हो रहा है, ये टोटल करो मेरे बेटा, सभी बच्चे अपना टोटल करो, 33330 33,330 66,660। अगर आप देखोगे तो यह आ रहा है 99,990, मतलब जितने का डेबिट उतने क्रेडिट नहीं आ रहा, यहाँ 10 रुपए कम आ रहा है, यहाँ पे 10 रुपए कम आ रहे हैं, मतलब तुम एक तरीके से 10 रुपए के शेयर कम दे रहे हो। तो मेरे बेटा क्या हुआ, ये यहाँ आएगा टू कैश। अच्छा जी, ये क्या है भैया, मेरे बेटा इसे कहते हैं फ्रैक्शनल पेमेंट। आपने ब्रैकेट में नहीं लिख रहा, ये मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। फ्रैक्शनल पेमेंट तब तब आएगी, फ्रैक्शनल पेमेंट तब तब आएगी जब जब ये पॉइंटों में निकलेगा मामला, तो टू कैश आने ही आ रहा है मेरे बेटा, क्लियर है, क्योंकि ऑब्वियस बात है राउंड ऑफ करना, राउंड ऑफ नहीं हो सकता, ये आने ही आ रहा है फ्रैक्शनल पेमेंट। ये कॉन्सेप्ट था जो सीखना जरूरी था, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। जल्दी से एक छोटी सी बात और कवर करते हैं, देखो हमने क्या क्या कर लिया, हमने एसेट परचेस की एंट्री सीख ली, पार्ट पेमेंट की, इशू की, और फॉर्मूला लगाना सीख लिया, और पॉइंट पे पता लग गया। अब आता है एक और, मैंने बोला ना, या तो तुम एसेट परचेस करोगे या फॉर बिजनेस एक्विजिशन, सामने वाले बंदे का बिजनेस खरीदोगे। मेरे बेटा बिजनेस खरीदने का मतलब है उसकी एसेट्स और लायबिलिटी, उसकी एसेट्स और लायबिलिटी दोनों खरीद लेना, एसेट्स और लायबिलिटी दोनों खरीद लेना, क्लियर है। अब क्या हुआ, इधर देखना, अगर हम किसी भी बिजनेस की एसेट खरीदते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एसेट आएंगी, क्या लिखेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट आएंगे तो डेबिट होगा। सपोज मान लो 1,00,000 रुपए की एसेट है, क्लियर है, और लायबिलिटी आएंगी तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो जितनी भी लायबिलिटी होनी क्रेडिट कर देना लाइन से, लायबिलिटी के नाम होंगे, एसेट के नाम होंगे। सपोज 2,00,000 की लायबिलिटी है, मान लो एग्जाम्पल में मैं वही ले लेता हूँ, श्यामलाल से, श्यामलाल का बिजनेस खरीद रहे थे हम, श्यामलाल लिमिटेड से, क्लियर ही नहीं है। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या होगा, हम बोलेंगे श्यामलाल जी 1,00,000 की एसेट है, 2,00,000 की लायबिलिटी है, एसेट भी तुम्हारी मेरी हुई, लायबिलिटी जो तुम्हारी थी वो भी मेरी हुई, यानी कि 1,00,000 में से 2,00,000 लायबिलिटी काटने के बाद तुम्हारे नाम का पैसा 8,00,000 बनता है। ये तो समझने का देखो एक तरीका है, कई बार बच्चों को ये पॉइंट जो लाइन मैंने बोली है ये समझ में नहीं आती है। एक्चुअली मेरे बेटे ये मान लो अगर तुम श्यामलाल से खाली एसेट खरीदते तो कितनी खरीदते, 1,00,000 की खरीदते, नहीं खरीदते, और ऑब्वियस बात है लायबिलिटी नहीं खरीदते, तो श्यामलाल को तो अपनी लायबिलिटी पे करनी पड़ती ना, तो 1,00,000 की एसेट के बदले तुम श्यामलाल को क्या दे देते, 1,00,000 रुपए दे देते, और श्यामलाल अपनी लायबिलिटी जब पे करता है 2,00,000 रुपए की,
तो श्यामलाल के पास कितना रुपये बचता, 8 लाख बचता नहीं बचता, तो हमने वही बात कर दी यहाँ पर भी। हमने ये बोला भैया देखो 10 लाख की एसेट है और 2 लाख की लाइबिलिटी जो तुम पे कर दे हम पे कर देंगे, तो तुम्हारे नाम का पैसा कितना बनता है, 8 लाख बनता है, कितना बनता है 8 लाख, ले लो जी हमसे 8 लाख रुपए, टू श्यामलाल लिख दो ये वेंडर का नाम, मैंने यहाँ वेंडर लिख रहा हूँ हालांकि समझाने के लिए, नहीं तो यहाँ पे वेंडर का नाम लिखा जाता है, इसी बोलते थे मेरे बेटा पीसी, ये पीसी है परचेस कंसिडरेशन, तुम कितना पैसा पे करोगे, आया या नहीं आया, क्लियर है या नहीं है, ये हो गया। अब देख लो जितने का डेबिट है उतने का ही क्रेडिट है, क्लियर है, हमें 8 लाख रुपए देने हैं। अब ऑब्वियस बात है, अब आगे बोलो पार्ट पेमेंट कर दो, तो पार्ट पेमेंट की एंट्री लगा देना ये वाली, फिर आगे की एंट्री बिल्कुल सेम लगेंगी, पार पे तो पार पे लगा देना, प्रीमियम पे तो प्रीमियम पे लगा देना, नंबर उसे कैलकुलेट कर लेना। सिर्फ ये दो एंट्री, एसेट खरीदने की एंट्री होती है, बिजनेस खरीदने की एंट्री ये होती है। लेकिन अभी क्या इसमें सारी बातें खत्म हो गई, नहीं, अभी भी 2 मिनट का तड़का बच रहा है यहाँ पर। क्या है 2 मिनट का तड़का, समझना जरा मेरी बातों को मेरे बच्चे। मान के चलो वेंडर, वेंडर कौन है मेरे डर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग श्यामलाल, श्यामलाल ये कह रहा है कि भैया ऐसा है, ये तो मजबूरी है बिजनेस देख रहा हूँ, ये तो मार्केट में आज वेरी गुड वे तरीके से बिजनेस करोगे तो तुम्हें ज्यादा ही मुनाफा मिलेगा, नाम बना के बैठा हूं मैं, क्लियर ही नहीं है, तो 8 लाख रुपए क्या दे रहे हो चिल्लड़, मुझे भैया 16 लाख रुपए चाहिए कम से कम, ना 16 मत लो ज्यादा मांग ले बंदे ने, 14 लाख रुपए चाहिए कम से कम, कितने मांग रहे हो हमसे 14 लाख रुपए, टेक्निकली कितने बंदे देखो 10 में से 2 गए 8 बनते हैं, वो 14 लाख मांग रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, हमने डील 14 लाख की कर ली, 14 लाख की डील हो गई। अब बताओ मेरे बेटा 8 लाख देने थे, देख लो जी 8 लाख देने थे, 14 लाख की डील कर रहे हो, 14 लाख दोगे तो 14 लाख और 8 लाख बनते हैं, तो तुम कितने एक्स्ट्रा दे रहे हो मेरे बेटा जी, 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो। तुम्हें लगेगा हाय हाय यू क्यों हो गया, 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले लिए, यू तो नुकसान हो गया रे, यू तो नुकसान हो गया रे, क्या करूं मैं, क्लियर बेटा, नुकसान नहीं हुआ, आपने सामने वाले बंदे का नाम खरीदा है, दैट इज जैसे तुम क्या बोलते हो मेरे बेटा जी गुडविल, और गुडविल क्या होती है मेरे बेटा तुम्हारी एसेट, और एसेट क्या होती है मेरे बेटा जी डेबिट, क्लियर है ये नहीं है, 6 लाख रुपए की गुडविल आएगी तुम्हारे पास। अब नॉर्मली क्या बोलते हैं स्कूलों में, बेटे बेटे ऐसा है सुनो, अरे बेटे सुनो क्या बेटा यहाँ कितना आ रहा है जल्दी देखो, आप बोलेंगे सर क्रेडिट में 16 लाख आ रहा है टोटल, बेटा डेबिट में कितना आ रहा है, सर डेबिट में 10 लाख का टोटल आ रहा है ना, तो क्रेडिट वाला ज्यादा है डेबिट वाला कम है, इक्वल करने के लिए क्या करोगे 6 लाख लिख देना, क्लियर है ये नहीं है, किस नाम से लिखोगे गुडविल के नाम से लिख देना, वाह ताता थिनत्ता, ऐसा ठीक है कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, लेकिन समझ लेना हमारा टेक्निकली 8 बनता है, 14 लाख दे रहे 6 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हैं, किस बात का गुडविल का, मैंने आपको रीजन दे दिया मेरे बेटा, बात खत्म, अब तुम कुछ भी करते रहो आंसर तो तुम्हारा वही आने वाला है, मैंने आपको समझा दिया सारी बात, कुछ भी नहीं छुपाया बेटा मैंने यहाँ पर, जितना आता है सारा उडेल उडेल के दिया है तुमने, क्लियर है ये नहीं है, बात क्लियर हो गई। चलो अब इसके बाद क्या आता है मेरे बेटा जी, कई बार तो भैया ऐसा नहीं हो सकता कि हम कम पेमेंट करें, हो सकता है, अब मैं कह रहा हूँ श्यामलाल से, अब श्यामलाल ही मैं कह रहा हूँ श्यामलाल से, श्यामलाल जी ऐसा है ये अमाउंट मैंने काट दी मेरे बेटा समझाने के लिए, ठीक है श्यामलाल जी ऐसा है 10 में से 2 गए 8 लाख बनते हैं जी, क्लियर है, तो भैया ऐसा है लेकिन तुम्हारी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, हम तो 6 लाख रुपए देंगे तुम्हें, कितने देंगे 6 लाख रुपए देंगे, हमें देने कितने मेरे बेटा सुनो 8 देने हैं, और हम बोल रहे कितने देंगे 6, यानी कि 2 लाख रुपए कम देंगे हम तुम्हें, क्लियर है ये नहीं है, 6 लाख में डील कर दो तो कर लो, श्यामलाल ने बोला भाई कर ले, तू भी मजबूरी का फायदा उठा ले, कर ले 6 लाख में डील, तब देखो हमें देने थे 8 दिए हमने 6, तो ये हुआ हमारा प्रॉफिट, क्योंकि रुपए हमने कम दिए, और ये जो प्रॉफिट है प्रॉफिट होता है क्रेडिट, किस नाम से, कैपिटल रिजर्व के नाम से, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था जब शेयर फॉरफिचर सिखाया था कभी कभार वाले प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट कहलाते हैं, और कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाते हैं, कंपनी रोज रोज परचेस करेगी नहीं बिजनेस, जब रोज रोज बिजनेस परचेस नहीं होते तो ऑब्वियस बात है मेरे बेटा जी ऐसे प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट बोलोगे। अब देखो यानी कि क्या सीखा हमने, या तो गुडविल निकल कर आएगा, या कैपिटल रिजर्व निकल कर आएगा, या कुछ भी नहीं आएगा, या तो गुडविल आएगा, या कैपिटल रिजर्व आएगा, या कुछ भी नहीं आएगा, आएगा तो दोनों में से एक आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। अब देखो स्कूल में क्या होता है, बेटे बेटे देखो 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 बेटे, अरे बेटे देखो डेबिट में कितना आ रहा है 10, हाँ जी सर 10 है डेबिट में, क्रेडिट में कितना है सर 8 लाख आ रहा है, सर डेबिट वाला ज्यादा है क्रेडिट वाला कम है ना, क्रेडिट वाला कम है
झाग कम है वहां लिख दो, पहले ऊपर कम था अब नीचे कम है, 2 लाख रुपए कैपिटल रिजर्व कहते हैं। मतलब भाई कहते हैं ऊपर आए तो गुडविल, नीचे आए तो कैपिटल रिजर्व। बट मैंने आपको लॉजिक बता दिया, ज्यादा दोगे तो गुडविल का पैसा दे रहे हो और कम दे रहे हो तो भैया कैपिटल प्रॉफिट कमा रहे हो, बात खत्म। बाकी अब तुम्हें जो वेंडर को पेमेंट करनी हो, चाहे 8 लाख करनी हो, 6 लाख करनी हो, 14 लाख रुपए करनी हो, बात खत्म। वो पार्ट पेमेंट करो, शेयर दो, कुछ भी दो, आगे की एंट्री बिल्कुल सेम है। मेरे बेटा कोई भी दिक्कत परेशानी हो 9953247951 दिमाग में रखना, नंबर को याद कर लेना, कंटेस्ट कर लेना। और मेरे बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्द से जल्द अपने दोस्त को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। आज के धन्यवाद, टाटा बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।